तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन कहें, मिसकंफ्यूजन कहें, वो चीज़ दूर होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट इसके इंतज़ार में हैं और उन्हें सही जानकारी के अभाव में अभी तक नहीं पता है कि वो एक ऐसी नौकरी ले सकते हैं जो बहुत ही आसानी से ली जा सकती है। यहाँ पे एग्जामिनेशन भी आपका नहीं होगा, बस आपके क्वालिफिकेशन के आधार पे आपकी नौकरी हो जाएगी। लेकिन पता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को पता नहीं है। हो सकता है कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हों, बहुत सारे वेबसाइट पे गए हों, लेकिन ऐसी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। जानकारी अच्छी लगेगी आपको तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे के जो भी वीडियोस आएंगे फ्रेंड्स, आपको आपके करियर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग आपको डेली बेसिस पे बताते हैं। साथ में तो आपको जॉब वैकेंसी हम लोग जो जेन्युइन है वही वाली लेके जरूर आते हैं, फर्जी वाली नहीं, और बकवास तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज़, यानी कि किसको मिलेगी नौकरी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और कौन बनेगा कंप्यूटर टीचर। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग ये सुन के पीछे हट गए होंगे, सोच रहे होंगे वीडियो स्किप कर देते हैं, लेकिन मत करिए, क्योंकि आपके पास भी ऐसी कुछ क्वालिफिकेशन है जो आप पूरी करते हैं तो आप आसानी से, और मैक्सिमम लोग ये क्वालिफिकेशन पूरी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इसके बारे में सोचा भी नहीं है तो अभी से सोचने लगेंगे इस वीडियो के बाद, आप देखिए तो सही एक बार। ठीक है सब, चलिए अब धीरे धीरे बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो में कि क्या कुछ कैसे है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, फ्रेंड्स मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अग्निवीर की बेस्ट पुस्तक जो चक्षु प्रकाशन के द्वारा लॉन्च करी गई है, अगर आप भी वर्दी का सपना देख रहे हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा फायदे पहुँचाने वाली है। इसमें आपको कंप्लीट जो भी है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू 100% सिलेबस पे इसको बनाया गया है। 2400 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे और 50 से भी ज़्यादा आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। और ये सारी जो पुस्तक है फ्रेंड्स आपको कंप्लीट, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि पूरी तरह से सिलेबस पे बेस्ड है, और अगर आप सफलता को चाहते हैं तो अपने किसी भी नज़दीकी दुकान पे जाके इसको खरीद सकते हैं। अगर वहाँ नहीं जाना है तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कराया हुआ है, वहाँ से भी आप ये बेस्ट पुस्तक खरीद सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको सफलता में बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और ये पुस्तक आपको NERGD, कलर्क SKTGD, NER ट्रेड्समैन और सैनिक टेक्निकल, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं सबके लिए अवेलेबल है, तो जरूर ट्राई करिए और अपनी तैयारी को सफलता में बदलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो में वापस आ चुके हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर टीचर की क्या प्रेजेंट स्थिति है और मैं क्यों इसके बारे में ऐसा चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं पता। सबसे पहली चीज़ की जो यहाँ पे कॉमन चीज़ें हैं कि कोई भी बन सकता है कंप्यूटर टीचर, और साथ में टेक्निकल वालों तक को भी पता नहीं है। घर में वो बैठक करके बैठे हुए, डिप्लोमा करके बैठे हैं स्टूडेंट्स, उनको पता नहीं है कि हम लोग ऐसी भी नौकरी ले सकते हैं। एक होता है ना स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना, ईगो आना, वो अच्छी बात है, आपके अंदर होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि अब मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है और मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मुझे नौकरी मिल जाए, तो ये वीडियो आपको हेल्प लेने वाली है। ठीक है, चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि बिहार के अंदर अभी क्या वर्तमान में, अभी आपको कैबिनेट मीटिंग में 7360 जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उनके लिए सीटें पास हो गई। ठीक है, यानी कि 7360। चलिए, मेरी हिंदी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही होगी क्योंकि मैं हिंदी बहुत अच्छी नहीं है हमारी, तो थोड़ा सा वो करिएगा, क्या बोलते हैं आप लोग, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बिहार के अंदर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यानी कि 9 और 10 और 11 12 के लिए फ्रेंड्स 7360 कंप्यूटर शिक्षक की जो पदें हैं सृजित हो चुकी हैं और इस पर बहाली आनी है, बहाली आनी है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्शन भी आने वाला है, और कुछ एक कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि जो 2019 में STET स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, STET का मतलब ये होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो लोग पास हैं क्या वो लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो फिर नए कैंडिडेट कैसे करेंगे, ये भी सवाल, इसका भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक जो चीज़ अभी तक लोगों को पता ही नहीं है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से नहीं पढ़े हैं, आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तब भी आप यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एलिजिबिलिटी, और ये एलिजिबिलिटी फ्रेंड्स मैं अपने मन की उपज नहीं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब बताएंगे, बाद में बताएंगे, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये फ्रेंड्स जो एलिजिबिलिटी है आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब STET 2019 का नोटिफिकेशन आया था उस समय दिया गया था, आपको स्क्रीनशॉट के तौर पे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो इसको पहले समझा देंगे। और साथ में एक कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि उस समय केवल उच्च माध्यमिक यानी कि +2 विद्यालय के लिए ये क्वालिफिकेशन बताया गया था, तो इसका मतलब ये कन्फर्म है फ्रेंड्स कि ये क्वालिफिकेशन वाले तो एलिजिबल है ही,
और साथ में अगर 9th 10th वाले भी इसको भरेंगे तो उन लोगों के लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें फ्रेंड्स जो भी लोग ये कर लेंगे उनका डेफिनेटली हो जाएगा कंप्लीट और वो एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्शन के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता है, बस आपको STET होता है, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो पास करना होता है। अगर वो पास कर गए हैं तो आपको बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बस एग्जामिनेशन में फॉर्म भरना है, आपका सिलेक्शन मेरिट के अनुसार आपका हो जाएगा। तो पहले ये जरूरी है ना समझना, बिल्कुल, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन है, किसी को पता ही नहीं है। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी कैसे बन सकता है। एक होता है टेक्निकल हैंड वाले, तो मतलब ऑलरेडी एलिजिबल हैं, इसको भी समझना जरूरी है। बहुत सारे बीटेक वाले स्टूडेंट घर पे बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता है। बहुत सारे डिप्लोमा वाले बैठे हैं, उनको नहीं पता है, सबको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कि स्नातकोत्तर ग्रेजुएशन के बाद आपने किसी भी सब्जेक्ट से PG किया हुआ है, और साथ में आपने ए लेवल का एक एग्जामिनेशन होता है, जैसे आपने CCC का नाम सुना होगा, आपको NILI नीलेट की एक वेबसाइट है उसके थ्रू, अगर आप इसका सिलेबस पढ़ के, ठीक है, अगर ए लेवल का एग्ज़ाम आप पास कर जाते हैं घर बैठे हुए, डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। या फिर कोर्स भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करवाते हैं ए लेवल का, और वहाँ पे एग्जामिनेशन देके आप पास कर सकते हैं, इसमें आपको साल भर भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और ए लेवल का एग्जामिनेशन का सिलेबस कंप्लीट करके आप इसको पास कर जाते हैं तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे कोई टेक्निकल चीज़ अलग से नहीं मांगी गई, बस आपको ये कंप्यूटर का नॉलेज तो होना चाहिए ना, आप कंप्यूटर में टीचर बनने जा रहे हैं तो नॉलेज तो होना ही चाहिए, तो इसीलिए ये एक एग्जामिनेशन होता है नीलेट की वेबसाइट पे। अगर हाँ विशेष जानकारी चाहिए तो हमें मेल करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें अच्छा लगे और हम आपको और ज़्यादा रिसर्च करके इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल बता दें कि आप कैसे कर सकते हैं घर पे बैठ के। चलिए आगे बताते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप और आपने ये नहीं करना है, बस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, PGDCA का नाम सुना होगा आपने। तो जो भी रजिस्टर्ड कोई यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप PGDCA कर लिए, ये नहीं कि प्राइवेट किसी कोचिंग में चले गए और PGDCA का डिग्री खरीद लिए, वो वाला नहीं चलेगा, ठीक है। कोई रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से आपको PGDCA 1 साल का ये होता है कोर्स, 12 मंथ का, ठीक है, तो ये कर लीजिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप भविष्य में, देखिए बहुत सारे लोग होंगे BEd, बस BEd करके बैठ गए हैं सोच रहे हैं कि होगा नहीं होगा, तो एक और ऐड कर लीजिए ना, PGDCA का कोर्स कर लीजिए। आप PGDCA कोर्स कर लेंगे, अगर आप ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको जब भी कभी भविष्य में कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी निकलती है तो उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो और क्या चाहिए, डबल एलिजिबिलिटी आपके पास हो जाएगी। चलिए आगे बताते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आप बी लेवल का भी एग्जाम पास कर जाते हैं, एक होता है ए लेवल, एक होता है बी लेवल, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसमें से आप लोगों को सबसे आसान ये लग रहा होगा कि हमें कोर्स कर लेते हैं, PGDCA का अपने अनुसार है, और कुछ लोग कंप्यूटर में मास्टर होते हैं, नॉलेज उनके पास भर भर के होता है लेकिन उनके पास डिग्रियां नहीं होती, तो आप लोग को बस ये एग्जाम में बैठना है, नीलेट का वेबसाइट पर जाके आप चेक कर लीजिएगा, बी लेवल ओ लेवल आपको मिल जाएगा, ए लेवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चौथा, मतलब कोई भी कैसे बन सकता है, इसमें सबसे आसान आपको ये लग रहा होगा लेकिन सही मायनों में ये भी आसान है, थोड़ा सा आपको इसका सिलेबस देख के स्टडी करके एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 1 साल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप PGDCA करते हैं तो समझिएगा, चीज़ों को कन्फ्यूजन मत होइएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और ए लेवल का आप एग्जाम दे के पास कर जाते हैं DOEC सोसाइटी, मतलब कि नीलेट, वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ NIELET, ठीक है, कुछ ऐसा ही वेबसाइट होता है, अगर आप गूगल करेंगे तो मिल भी जाएगा, और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। बस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें अच्छा लगे ताकि हम आपको भविष्य में और भी इन्फॉर्मेशन दे सकें, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं आपको कहीं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स, पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप PG हैं किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से, जरूरी नहीं कंप्यूटर साइंस से, IT से ही, और आपके पास PGDCA का अपने 12 महीने का कोर्स कर लिया है रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं वो भी समझाऊंगा कि इसमें होंगे कि नहीं, बस आप थोड़ा सा धैर्य धारण किए रहिए और आपका जो कन्फ्यूजन है सारा दूर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है पोस्ट ग्रेजुएट है और बी लेवल है आपके पास, यानी जैसे ए लेवल होता है सेम वैसे ही DOEC सोसाइटी बी लेवल भी कराती है, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। चलिए अब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, बहुत सारे लोगों के हम ग्रेजुएशन है, हम क्या करें, नॉर्मल ग्रेजुएट है, हमने BTech भी नहीं किया हुआ है, हमें कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा, BCA MCA कुछ नहीं किया, तो आपने अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन भी है तो आपको क्या करना है, सी लेवल का एक एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर से संबंधित, सी लेवल DOEC सोसाइटी नीलेट के वेबसाइट से ही, तो वहाँ से आप ये एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, और क्या ही चाहिए भाई। बस आप बने रहिए चैनल पे और कुछ प्रॉब्लम है हमें मेल करिए, जैसे ही हमें समय मिलता है मेल बैक जरूर करते हैं कैंडिडेट्स को, ठीक है। चलिए आपको आगे बताते हैं, अगर आप टेक्निकल हैं, ये तो हो गया नॉन टेक,
ये मतलब इन अनटेक्निकल कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएट है तो क्या चाहिए उसको कंप्यूटर टीचर बनने के लिए, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए एक कन्फ्यूज़न यहाँ पे निकल के आता है, मैं उसको खुद क्लियर कर दूँ कि ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको प्लस टू टीचर के लिए, ये मैं बता रहा हूँ ये जो क्वालिफिकेशन इसको क्लियर कर रहा हूँ, प्लस टू या प्लस टू टीचर के लिए अगर आप मतलब क्वालिफाइड हैं, आप ये कर लेते हैं तो 9-10th की तो बात ही कुछ है ही नहीं, ये तो ऑलरेडी हो जाएंगे ना। जब प्लस टू वाला आपके पास रहेगा वैलिड तो 9-10th वाले की तो क्या ही औकात, ठीक है। तो ये आपके पास है तो डेफिनेटली आप 9-10th के लिए भी एलिजिबल हैं। ये चीज़ें अलग हो सकती हैं कि जब नोटिफिकेशन निकल के आए 9-10th का क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, तो कुछ कम भी हो सकता है, इसमें बढ़ेगा तो नहीं, कुछ कम हो सकता है, ठीक है। तो इतना चीज़ है, ये कन्फर्म है कि इतना तो रहेगा ही प्लस टू के लिए, 9-10th के लिए थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ये माइंड में रखिएगा। लेकिन आप कम में मत रहिए, आप ज़्यादा की ओर बढ़िए ताकि कहीं कोई रुकावट ही ना आए, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टेक्निकल में बताया जा रहा है कि बीई या बीटेक है या फिर आप डिप्लोमा भी हैं कंप्यूटर साइंस से तो आप एलिजिबल हैं। बहुत सारे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पे पता नहीं होगा कि हम लोग कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो हो सकता है कि इस पर ट्रस्ट ना हो तो मैं ऑफिशियली आपको दिखा दूँ, जो स्क्रीन पे है वहाँ पे आपको ब्लिंक करके दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, तो एलिजिबल हैं आप, ठीक है। तो डिप्लोमा वाले यानी कि पॉलिटेक्निक वाले, ये नहीं कि पीजी डीसीए वाले, पीजी डीसीए मतलब पोस्ट ग्रेजुएट नॉर्मल बस 1 साल का ले लिए हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो वो नहीं चलेगा। आपको डिप्लोमा यहाँ पे मतलब ये हो गया कि अगर आप पॉलिटेक्निक हैं तभी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बी मतलब ये टेक्निकल हैंड में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे फ्रेंड्स, बीई बीटेक अगर आप किसी भी ब्रांच से हैं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने तो कंप्यूटर साइंस तो मेरा ब्रांच ही नहीं है, तो हम लोग कंप्यूटर टीचर कैसे बन सकते हैं। डेफिनेटली बन सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आपको नहीं मन है ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में काम करने का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का, या फिर कहीं भी अपने सेक्टर में नहीं जाना चाहते, घर पे काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, बस पीजी डीसीए करना है। जो कोर्स यहाँ पे इन लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करना पड़ रहा था, बीटेक किया है आपने तो बीटेक के बाद 1 साल का कोर्स कर लीजिए ना, यहाँ पे आप कर लेंगे तो अभी इतनी वैकेंसी आ रही हैं, फ्यूचर में कितनी वैकेंसी आएंगी। और दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, बिहार के टीचर की जो एज का होता है 37 साल आपको सामान्य जाति के लिए, ठीक है, जनरल जाति के लिए सामान्य, महिलाओं के लिए यहाँ पे 40, ठीक है, मेल के लिए यहाँ पे 37 और फीमेल के लिए 40। और उसके बाद होता है बीसी और ईबीसी, ठीक है, सभी चीज़ें आपको समझा देते हैं। यहाँ पे बीसी ईबीसी के लिए आपको 40 साल रहता है मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपको यहाँ पे 3 साल का छूट अलग से मिल जाएगा, 43, ठीक है। एससी एसटी के लिए आपको अलग से यहाँ पे छूट मिल जाएगा, 5 साल का हो जाएगा, ये आपको 37 है तो ये 42 साल हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, ठीक है। और डिजेबल कैंडिडेट है तो आपको 10 साल का छूट, 47 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि आप एक सिक्योर कर लेंगे ना नौकरी को भविष्य में, आपकी उम्र भी बढ़ रही है, साथ में कोई जॉब भी कर रहे हैं प्राइवेट, मन भर गया बिहार में आ सकते हैं, आप कंप्यूटर टीचर आपका इंतजार में आपके रहेंगे ये लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका, चलिए। और एक और चीज़ है जो बीटेक वाले हैं वो सोच रहे होंगे कि अभी हमको मतलब टीचर बनने की ओर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थक जाते हैं, मन नहीं करता है प्राइवेट सेक्टर में काम करने का, बिहार में काम करना चाहते हैं, या फिर स्टार्टिंग में एक ये होता है जुनून कि नहीं हमें टीचर नहीं बनना है, लेकिन बाद में उनको लगता है कि यही रास्ता सही है। तो जो बीटेक वाले हैं अभी प्रेजेंट टाइम में आपको बीएड का फॉर्म निकल गया है, उसके लिए एक अच्छी मतलब पूरी रिसर्च वाली वीडियो मैं लेके आऊँगा कि कैसे किसका सिलेक्शन हो सकता है, चांसेस किसके ज़्यादा हैं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर किए जाएंगे, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ ना, इससे भी बेटर तौर तरीके से, जैसे ही आप लोग का प्यार मिलता रहेगा बढ़ता रहेगा मेरी कोशिश भी ऐसी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको समझ में आएगी कि बीटेक हैं अगर आप मैथमेटिक्स या साइंस का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड ज़रूरी है, लेकिन वही बात करें कंप्यूटर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस पीजी डीसीए का कोर्स कर लेना है 1 साल का, आप कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं टेक्निकल लाइन में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एमएससी या एमसीए है कंप्यूटर साइंस से, एमसीए तो कंप्यूटर साइंस का ही होता है, एमएससी भी है कंप्यूटर साइंस से, आप एलिजिबल है, ठीक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बीएससी या बीसीए, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस से है या फिर बीसीए है आप, तो आपको पीजी होना जरूरी है अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन आपने ग्रेजुएशन अपना बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया है या फिर बीसीए किया हुआ है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तब आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और एमसीए वाले को तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि वो लोग एलिजिबल हैं। तो इतना कंडीशन है, कोई कन्फ्यूज़न अभी भी होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसमें हो सकता है मैं रिप्लाई करूँ, या फिर मेल कर दीजिएगा हमें जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वैकेंसी को लेकर, और जो कन्फ्यूज़न है आपको 7360 में कौन से लोग बैठ पाएंगे उसको मैं दूर कर देता हूँ।
तो फ्रेंड्स ये चीज आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की जरूरत है। क्या चीजें समझने की जरूरत है? देखिए आपका जो इलेक्शन है एमएलए का, ठीक है, विधायक वाला जो आपका इलेक्शन है 2025 में है बिहार में, ठीक। और आपको जो एमपी का है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद वाला जो आपका है 2024 में है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आपको। तो ये जो आपको नोटिफिकेशन, ये जो सीटें सृजित हुई हैं अभी, ये आपको 9-10 के लिए भी है इसमें, और आपको 11-12 के लिए भी है। अब बहुत सारे अखबार में आपने देखा होगा कि जो आपको 2019 में एसटीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं केवल वो आवेदन कर पाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए कैसे नहीं हो सकता है आपको मैं बता दूं कि जो आपका 2019 में जो सीटें निकाली गई थी लगभग 1700 के आसपास है, और अभी आपको 7300 के आसपास टोटल सीटें अभी निकाली गई। तो ये जो नोटिफिकेशन 2019 में था ना फ्रेंड्स, ये प्लस टू वालों के लिए था, ठीक है, 11-12 के लिए था, और ये जो है ये दोनों के लिए, ठीक। ये अभी जो निकला है 7360, ये 9-10 के लिए भी है, माध्यमिक स्केल के लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए, और उच्च माध्यमिक के लिए भी है, ठीक है। तो 7360 में दोनों आ जाता है। तो न्यू वाले में अभी ऐसा तो नहीं है कि जो 11-12 में क्वालिफिकेशन मांगा गया है वही मांगा जाएगा 9-10 के लिए भी, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ये चांसेस हैं। नोटिफिकेशन आउट होंगे तभी ये ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन आपको यहाँ देखना है, ये जो आपको इलेक्शन है ना, ये क्या करेगी, गवर्नमेंट को मजबूर कर देगी एसटीईटी दोबारा लेने के लिए। वो तो होगा ही होगा इलेक्शन से पहले, और ये भर्तियां भी फ्रेंड्स आपको 2 साल से पहले नहीं होने जा रही हैं, ठीक है। हाँ धीरे धीरे ज्वाइनिंग होने लगेगा इन लोगों का, जो आपको 2019 में जिन लोगों ने एसटीईटी पास किया है, तो उस समय 1700 के आसपास जो सीटें निकाली गई थी उस पर ज्वाइन हो सकती हैं पहले। और ये जो 7360 है इसमें जितनी सीटें होंगी प्लस टू वाली, ठीक है, इसमें से दोनों है ना सीटें, ये इधर भी सीटें हैं 9-10 के लिए भी, 9-10 के लिए, और यहाँ पे इधर भी हैं 11-12 के लिए। तो 7360 में से जो 11-12 वाली होंगी वो सीटों पे हो सकता है कि भर्तियाँ ज्वाइनिंग होने लगे, लेकिन 9-10 वालों पे एसटीईटी गवर्नमेंट अपने इलेक्शन को मतलब दिखाने के लिए कि हमें यहाँ पे भर्ती लेनी है, हम निकाल रहे हैं सबके लिए, सबका भला सोच रहे हैं, तो उसमें आपको नया मौका मिलेगा एसटीईटी के एग्जाम में बैठने का। तो आपको क्या करना है, जो कोर्सेज मैंने बताए हैं जो आपको डेफिनेटली फायदा पहुंचा सकते हैं, अगर आपको लगता है अच्छा, जरूरी नहीं कि 1 से 2 साल में, आपके 10 साल 20 साल में भी, 20 साल छोड़िए 10 साल के अंदर भी आपको नौकरी लगेगी, क्योंकि फ्यूचर में कंप्यूटर टीचर बहुत सारे रिक्वायर्ड होने वाले हैं। कंप्यूटर टीचर ऐसा टीचर है फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि बिना कंप्यूटर के कुछ हो ही नहीं सकता आज के टाइम पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि हाँ, गवर्नमेंट जरूर मौका देगी, एसटीईटी फिर से निकालेगी कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ एक चीज़ है कि फ्रेंड्स, आपको नॉर्मल बीटेक जो स्टूडेंट हैं या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट हैं उनको भी 9-10 के लिए मौका मिल सकता है बिना किसी डिग्री के, ठीक है। नॉर्मल बीटेक, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर साइंस वाले ही, नॉर्मल बीटेक वालों को भी मिल सकता है, कन्फर्म नहीं है लेकिन हाँ मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कंप्लीट, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये आपको पता है कि इलेक्शन जीतने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। सरकार आपको दिन में रातों रात चेंज हो जाता है, आपने देख लिया है अभी तक, चचा हमारे नीतीश कुमार मतलब क्या से क्या कर देते हैं, तो वैसे कुछ भी हो सकता है। चलिए तो आपको पूरा बस मुझे यही समझाना था कि अगर आपको नहीं पता है ये सारी चीज़ें, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होंगी, तो वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, और ज़्यादा आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए हमें, और ज़्यादा प्यार मिलेगा तो डेफिनेटली आपको आगे नेक्स्ट वीडियो जो है बीएड वाली वीडियो किनको करनी चाहिए, टेक्निकल अन टेक्निकल सब बहुत ही अच्छे तरीके से कोशिश हमारी रहेगी आपको समझाने की। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।